जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फैमिली रेसिपी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नाश्ता बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में, और वो भी सिर्फ एक ऑनियन और एक पोटैटो से। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही चटपटा लगता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसमें हम सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम ये चटपटा नाश्ता बनाना। तो ये चटपटा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, जिसमें एक पोटैटो को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। मैंने ये पोटैटो को बहुत ही बारीक तरीके से ग्रेट किया है, और फिर ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने आधा कप पानी डाल के इसे सोक कर लिया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये बड़ी साइज का ग्रेटर का यूज किया है। आप यहाँ चाहे तो छोटे ग्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसमें का जो भी पानी है वो पूरा अच्छी तरीके से निकाल लेना है। अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आलू है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक फाइनली ग्रेट किया हुआ ऑनियन। इसको भी मैंने वही ग्रेटर में अच्छी तरीके से बारीकली ग्रेट कर लिया था, और ये ऑनियन में से मैंने जो भी पानी रहता है वो पूरा निकाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, जिसे ऑल पर्पज फ्लोर भी कहते हैं। आप यहाँ चाहे तो राइस फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला, उसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। आप यहाँ चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, उसी के साथ इसमें थोड़े से धनिया पत्ती डाल देंगे फाइनली चॉप करके, और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ चाहे तो गाजर को भी फाइनली ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो ये स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नमक, और फिर इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे दोस्तों, हमें नमक एंड में ही डालना है, जब हम सारे मसाले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हमें इसमें नमक डालना है। पहले ही ऑनियन में नमक डालेंगे तो ऑनियन में से पानी निकलने लगेगा और फिर ये ज़्यादा ही लिक्विडी हो जाएगा। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा और स्टिकी लग रहा है, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, या आपको कुछ भी बताना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो हम एक पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और फिर तेल जैसे ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हमने जो मिक्सचर रेडी किया है हम उसे इसमें डाल देंगे। मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो इसे सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। हम इसे जितना पतला बनाएंगे उतना ही ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। हम इसे ऊपर से कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और फिर इसके ऊपर हम और थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे शेप दे के थोड़ा थोड़ा फैला देंगे, जिससे कि एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब ये एकदम परफेक्टली अच्छी तरीके से स्प्रेड हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और फिर इसे लो फ्लेम में ढक्कन ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और हम इसे टर्न कर देंगे। यहाँ पे ये लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है, हम इसे फिर से एक बार टर्न करके इसे डार्क गोल्डन ब्राउन कर देंगे, जिससे कि एकदम क्रिस्पी बनेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक बार वापस से ढक्कन ढक के इसे 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद आप देखोगे इसका जो कलर है वो एकदम मस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसे लो फ्लेम में 1-2 बार अच्छी तरीके से टर्न करके इसे पका देंगे, जिससे कि एकदम क्रिस्पी बनेगा बाहर से, और फिर इसे बीच बीच में हम कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ये देखिए एकदम दोनों साइड से परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और ये एकदम टेस्टी, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और चटपटा नाश्ता बनकर रेडी होता है। आप इसे गरम गरम ही सर्व करें, और ये बहुत ही हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों ने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों, आप लोग ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड जय श्री कृष्णा।